हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो आइए मैं फटाफट इनका नाप बता देती हूँ। तो ये मेरे 6 पीस है जो 3.5 3.5 इंच के हैं। ये भी मेरे 6 पीस हैं जो 3.5 3.5 इंच के हैं। ये मेरे 2.5 2.5 इंच के 2 पीस हैं। ये भी मेरे 2.5 2.5 इंच के 2 पीस हैं। ये 2 इंच की इनकी चौड़ाई है, 2 इंच की इसकी चौड़ाई है, और 11.5 इंच इसकी लंबाई है, और 8 8.5 इंच की लंबाई है। तो ये भी 2 पीस है, ये भी 2 पीस है। तो फ्रेंड्स, मैं अब इनको सेट करना बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये हमने एक एक पीस लिया और ये यहाँ रख कर इसमें एक लाइन लगा ली सिलाई लगाने के लिए। ये यहाँ एक स्केल की मदद से लाइन लगाऊंगी और साइड साइड में सिलाई करूंगी। तो ये हमारे पीस है, ये आपस में हमें इस तरीके से जोड़ लेने हैं। तो आप मैं पहले जोड़ लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सब पे लाइन लगा ली है और इनको आपस में पिनअप भी कर दिया ताकि ये इधर उधर ना खिसके। तो मैं साइड साइड में सिलाई लगा लेती हूँ और सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे पीस सिल लिए हैं और मैं सब में सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इनको बीच बीच में से कट कर देंगे। और ये हमारी जो पीने वगैरह हैं इनको हम हटा लेंगे और ये ऐसे ही ये पीस खुल के रेडी हो जाएगा। तो हम इसको सेट करेंगे और सेट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से खुल जाएगा। और अब क्या करेंगे, हम इसको 2.5 2.5 इंच नापेंगे, दोनों तरफ से 2.5 2.5 इंच नापेंगे। तो हम इसको 2.5 2.5 इंच नाप के फिर हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 2.5 2.5 इंच के पीस मैंने कट कर लिए हैं और ये आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, कोने से कोने को मैंने इसके ऊपर एक टुकड़ा ये 2.5 2.5 इंच वाला रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस कोने से इस कोने पर मिलाएंगे और जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट कर देंगे। तो मैं इसको, मैंने बीच में पिन लगा ली है जिससे कि मेरा कपड़ा इधर उधर नहीं हिलेगा। तो ये मैंने एक्स्ट्रा जो अपना भी था ये मैंने कट कर लिया है। ये मेरा कट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आया है। तो अब मैं इन सब का सेट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सेट कर लिया है। अब हम पहले ऊपर की लाइन सिलेंगे, फिर ये लाइन सिलेंगे, और फिर ये, और फिर ये। तो हम पहले ऊपर की लाइन सिल लेते हैं। पहले इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर हम इस टुकड़ों को जोड़ेंगे, यहाँ सिलाई लगाएंगे और यहाँ से पलट देंगे। तो ये 2 पीस हमारे तैयार हो जाएंगे। तो मैं भी तैयार कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों टुकड़े हो गए हैं। अब हम इसको इस पर पलटेंगे और यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ऊपर की लाइन तैयार हो गई है। अब मैं इस लाइन को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ऊपर की भी तैयार हो गई है लाइन। तो हम इसको और इसको दोनों को सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे चारों टुकड़े कंप्लीट हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इसको इस पर रखेंगे, सिलाई को सिलाई पर पिनअप कर लेंगे। तो मैं पिनअप करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पिनअप कर लिया है और हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ऊपर का कंप्लीट हो गया है और सिलाई से सिलाई बिल्कुल सही बैठी है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे, इसको यहाँ रख के और इन पर पिनअप कर देंगे ताकि हमारी सिलाई इधर उधर ना स्ट्रेचेबल ना हो। और मैं उस पर सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा भी जुड़ गया है। अब हम तीसरे को पिनअप करके और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो गया है। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था, छोटा बड़ा जो, वो मैंने साइड में से कट कर लिया है। तो बिल्कुल फिनिशिंग से आ गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब ये पट्टियाँ लेंगे और यहाँ सिल कर इसको यहाँ सिल कर लाइन लगा कर पलट देंगे और इसको भी ऐसे करेंगे।
के यहाँ सिलकर पलट देंगे और फिर हम ये वाली पट्टियाँ लेंगे। जब ये सिल जाएंगी फ्रेंड तब हम इसको सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इन सिलाई को यहाँ रखकर ऐसे सिलेंगे और पलट देंगे और सेम यही इस सिलाई को यहाँ सिलकर इसको पलट देंगे। तो मैं सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा हार्ड शेप का डिज़ाइन तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप अपने मनपसंद कपड़े से बनाइए इस डिज़ाइन को और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।